नववर्ष के पहले उदीयमान भगवान सूर्य को अर्घ्य दे रहे हैं सभी छात्रगण। ए सूर्य सहस्रांशो तेजो राशे जगतपते अनुकंपय माम भक्त्या गृहाणार्घ्यम दिवाकर। अब देखिए सौभाग्य से इनके दर्शन का अवसर सभी को मिलता है, आप सब भी इनके दिव्य दर्शन को प्राप्त करें। श्री मरीचये नमः, श्री आदित्याय नमः, श्री सवित्रे नमः, भास्कराय नमः, सूर्यनारायणाय नमः। जो संवत्सर है वो गौ संवत्सर नाम से अभिहित किया गया है, स्वीकार किया गया है। ये नया संवत्सर है, इसके पहले 1,95,58,85,125 संवत्सर हम लोग इस सृष्टि में मना चुके हैं। ये 126वां नया संवत्सर जिसका नाम कालकृत है वो आज से आरंभ हो रहा है, और उसी का स्वागत करने के लिए और नए संवत्सर के लिए अपने कार्यक्रम उद्घोषित करने के लिए और नए संवत्सर के लिए अपने संकल्प व्यक्त करने के लिए इस समय हम लोग काशी के केदार क्षेत्र में शंकराचार्य घाट पर बैठे हुए हैं और जो परंपरा है उसका निर्वाह कर रहे हैं। हम आह्वान करते हैं आप सबका, और गौ संवत्सर हमने इसीलिए घोषित किया है, इसका उद्देश्य है कि इसी संवत्सर में हम सनातनियों को एकजुट होकर गौ माता को राष्ट्रमाता की पदवी पर बिठाते हुए उनकी हत्या को दंडनीय अपराध की श्रेणी में लाने वाला कानून बनवाना है। और ये तो सरकार से और स्वयं के स्तर पर रामा गाय की DNA टेस्ट के द्वारा पहचान सुस्थिर कर, क्योंकि जो संकरीकरण हुआ है उस तो संकरीकरण के बाद गाय में वो गुण नहीं रह जाते हैं, इसलिए हमारी जो शुद्ध नस्ल इस समय तक बची हुई है DNA टेस्ट के द्वारा उसकी पहचान को सुस्थिर करके उसके संरक्षण संवर्धन के लिए निरंतर कार्य करने की हम लोगों को आवश्यकता है, इसलिए भी हम लोगों ने इस संवत्सर का नाम गौ संवत्सर रखा है।
बंधुओं, आपकी सरकारें आपके लिए लोक कल्याण की योजनाएं बनाती हैं और उनको मूर्त रूप प्रदान करती हैं, ऐसे ही नहीं कर देती हैं, कोई घर से लेके नहीं आता है। आपके द्वारा दिए गए सहयोग, समर्थन, आपका मतदान और आपके द्वारा दिए गए टैक्स को इकट्ठा करके उसी से लोक कल्याण के कार्य उनके द्वारा किए जाते हैं। इसी तरह से आपके शंकराचार्य को पहले ये अधिकार था कि वो धार्मिक कर धार्मिक जनता से संग्रहित करता था, अब सरकारों ने उसके ऊपर अपने लोगों को बैठा दिया है। शंकराचार्य के पास जो धर्मस्व है वो नहीं पहुंच रहा है, इसीलिए ना तो वो बजट बना पा रहे हैं, ना तो किसी कार्य को मूर्त रूप दे पा रहे हैं। इसलिए आवश्यक है कि अगर आप हमसे अपेक्षा करते हैं तो हमारे कार्यालय को मजबूत करिए, ताकि हमारा कार्यालय आपकी आवश्यकता पर आपके दरवाजे पर खड़ा दिखाई दे और आप उसका लाभ उठा सकें, अपने जीवन में सनातन धर्म को अपना सकें। हम चाहते हैं कि सनातनी जनता अपने धर्माचार्य के नेतृत्व में विश्वास करे और धर्म के मामलों में धर्माचार्यों की सलाह सुने और माने। आज हालात ये हैं कि अगर आपका शंकराचार्य मंदिर के बारे में कोई बात कहता है, अगर आपका शंकराचार्य गंगा और गाय के बारे में कुछ कहता है जो कि शुद्ध रूप से धर्म का मामला है, तो उसको आप लोगों में से बहुत से लोग सिखाने आ जाते हैं कि आप मंदिर के बारे में मत बोलिए। अरे मंदिर धर्म की चीज़ है, अगर धर्माचार्य इस बारे में नहीं बोलेगा तो किसको अधिकार है? धर्म के मामले में बोलने का अधिकार धर्माचार्य का है, इस बात को स्पष्टता से जान लीजिए। राजनीतिज्ञों का काम देश में लोक व्यवस्था को सुंदर बनाना, लोक कल्याणकारी कार्यों को चलाना, शिक्षा स्वास्थ्य की व्यवस्था अच्छी करना और लॉ एंड ऑर्डर प्रशासन को मेंटेन करना है। उनका काम धर्म का नहीं है, धर्म का काम धर्माचार्य का है। इसलिए जहां धर्म का मामला हो, इस बात को स्पष्ट अपने मन में कर लीजिए कि धर्म के मामले में धर्माचार्य हमारा अंतिम प्रमाण है। धर्म के मामले में हम किसी और विषय के विशेषज्ञ की बात को नहीं सुन सकते हैं। राजनेता धर्म के ग्रंथों का अध्ययन नहीं करता है, धर्म ग्रंथों में लिखी चीज़ों को अपने जीवन में उतार करके उनको जी करके अनुभव प्राप्त नहीं करता है, तो ऐसी परिस्थिति में वो कैसे आपको धर्म के बारे में कोई बात बता सकता है? पाप किस कार्य से होगा, पुण्य किस कार्य से होगा, ये बताने का जो अधिकार है तो स्वाभाविक रूप से धर्माचार्य का है। इसीलिए आप इस बात को स्पष्ट समझिए, जब आपका शंकराचार्य धार्मिक मामलों में आपका नेतृत्व करने के लिए आगे आता है तो आप कहते हैं आप अपने मठ में रहिए, पूजा पाठ करिए, और जब वो पूजा पाठ करने में लग जाता है, अध्ययन अध्यापन करने में लग जाता है, तो आप कहते हैं शंकराचार्य जी तो मठ में बैठे हैं, वो तो ग्राउंड पे उतरते ही नहीं है, ये कैसी विडंबना है? आपको ये स्पष्ट करना होगा अपने मन में कि हम क्या चाहते हैं अपने आचार्यों से, क्या चाहते हैं अपने शंकराचार्य से। आपका शंकराचार्य आपके धार्मिक मार्गदर्शन के लिए उपलब्ध है, लेकिन उसकी उपलब्धता को आप अगर स्वीकार नहीं करेंगे तो फिर उसका लाभ आप नहीं ले सकते हैं, इतना ही हमारा आपसे कहना है। बंधुओं, आप इसी बात से समझ लीजिए कि आप इस देश में 100 करोड़ से ज़्यादा की संख्या में हो गए हैं, बड़ी संख्या है आपकी, बहुमत है आपका, लेकिन फिर भी आपके ही देश में सुनी किसकी जाती है सरकारों के द्वारा। हम किसी का नाम लेकर के कहेंगे तो आप में से बहुत से लोग कहेंगे कि नाम ले रहे हैं, लेकिन आप स्वयं अनुमान लगा लीजिए कि जो कम संख्या में हैं उनका प्रभाव सरकारों के ऊपर, राजनीतिक दलों के ऊपर ज़्यादा है, और आप ज़्यादा संख्या में हैं लेकिन आपकी कोई सुनवाई नहीं है। क्यों? क्योंकि आप अपने धर्माचार्य की बात को मानते ही नहीं हैं। आप नेताओं के वश में हो गए हैं और नेता समझते हैं कि ये तो हमारे हैं ही हैं, इनकी क्या परवाह करना, वो जो हमारे वश में नहीं है उनकी परवाह कर लेते हैं, तो उनकी परवाह करने के लिए उनकी बात को स्वीकार किया जाता है और वो बड़े आराम से इस देश में रह करके अपना काम करते हैं, और आप इस लाभ से वंचित रह जाते हैं, जबकि प्रथम अधिकार आपका होना चाहिए। लेकिन बहुसंख्यक आप नहीं हो पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि अपने आचार्यों के पीछे आप नहीं चल रहे हैं, आपने अपने नेतृत्व को खो दिया है, और जिसका कोई नेता नहीं होता
उसकी तो हालत यही होती है जो आपकी हो रही, कि आप अपना मतदान करते समय इस बात का विचार करिए कि मेरा जो मतदान है उस मतदान का प्रयोग क्या होगा, क्या उससे बनी सरकार गौ हत्या करेगी, और अगर गौ हत्या करती है हमारे वोट से बनी सरकार तो क्या हम उसके दोषी पापी नहीं होते हैं? बिल्कुल होते हैं। तो हिंदुओं को मतदान करने के पहले इस बात का विचार करना पड़ेगा कि मेरे मतदान से मेरी माँ गौ की हत्या हो रही है, मेरे मतदान से मेरी माँ गंगा बांधी जा रही है, और मेरे मतदान से ही मेरे धर्म की विधियों को बदला जा रहा है, परिवर्तित किया जा रहा है, बहुत कुछ हस्तक्षेप हमारे धर्म में होता चला जा रहा है। इसलिए आप धार्मिक दृष्टि से विचार करो। क्यों? क्योंकि दान के बारे में हमारे यहाँ बताया गया है कि ये सुपात्र को करना चाहिए, कुपात्र को दान देने से दोष होता है, पाप होता है, और दान ही आपका शत्रु बन जाता है। कुपात्र दानाच भवेत् दरिद्रः, दरिद्र भावात् प्रकरोति पापम, पाप प्रभावान् नरकं प्रयाति, पुनर्दरिद्रः पुनरेव पापी। बंधु हो आप, हिंदू हो आप, समझ सकते हो कि अगर आपके सगे भाई के द्वारा गाय रात को बांध दी जाती है और रात को खूंटे में बंधी हुई ही मर जाती है तो उसको गौ हत्या का पाप लगता है। 14 दिन तक मुंडन करा करके मिट्टी का पात्र लेकर के घर घर भिक्षा मांग के खाने के बाद प्रायश्चित करता है, तब जा करके वो शुद्ध होता है। जब तक शुद्ध नहीं हो जाता आप उसको अपने घर में मिला लेते हो? जब अपने सगे भाई को आप गौ हत्या के पापी होने पर नहीं मिलाते हो, प्रायश्चित के बाद मिलाते हो, तो फिर क्या कारण है कि किसी राजनीतिक दल को जो गौ हत्या को बढ़ावा दे रहा है उसके बाद भी उसी का साथ पकड़े रहने की जिद कर रहे हो? इसका मतलब आपके माथे पे बहुत बड़ा पाप चढ़ चुका है कि आपको पाप और पुण्य में भेद नहीं दिखाई दे रहा है, और इसका जो परिणाम है वो निश्चित रूप से बुरा होने वाला है। कि एक बार अगर हिंदू कड़क हो गया, वोट मांगने आने वाले से कहने लगा कि शपथ पत्र दिखाओ तब बात करो, नहीं तो आगे बढ़ो, तो या तो ये पार्टियां जो गौ हत्यारी पार्टियां हैं 70-75 साल से जिन्होंने देश में राज किया है वो समाप्त हो जाएंगी, और या तो चोला बदल के वो भी गौ भक्त बन जाएंगी, क्योंकि वोट तो चाहिए, बिना वोट के सत्ता में आना संभव नहीं है। तो अगर 75 साल से हिंदुओं के द्वारा वोट पा करके सरकारें बनी फिर भी गौ हत्या हो रही है, इसका मतलब कि हिंदुओं ने इस बात का विचार किए बिना अपना वोट दिया है, और इसीलिए उनको दुख भोगने पड़ रहे हैं। आप अपनी राजनीतिक शक्ति माने अपने मतदान को सनातन हित में प्रयोग करिए, इसी बात की प्रेरणा देने के लिए ये हमारी बातें हैं। बंधुओं, हम ज्योतिष पीठ के जगतगुरु शंकराचार्य के रूप में आपको स्पष्ट निर्देश कर रहे हैं, किसी भी दशा में उन दलों को वोट मत दीजिए जिन्होंने शपथ पूर्वक ये घोषणा गौ माता की हत्या को रोकने के बारे में और उनको प्रतिष्ठा प्रदान करने के बारे में नहीं दी है। कुछ लोग ये आरोप लगाते हैं हम किसी दल के प्रभाव में आकर किसी दल को हराने के लिए, किसी दल को जिताने के लिए ऐसी घोषणा कर रहे हैं, लेकिन ये बातें बिल्कुल तथ्य विरुद्ध हैं, इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। बंधुओं, हम आपसे पूछना चाहते हैं, जो लोग ऐसा आरोप लगाते हैं कि हम किसी पार्टी विशेष के पक्ष विपक्ष में ये बात कह रहे हैं, उनसे पूछना चाहते हैं कि ये जवाब दीजिए कि जब हमने भारत की हर राजनीतिक पार्टी को मौका दिया कि आप गौ माता के संदर्भ में अपने विचार सार्वजनिक कर दीजिए, तो क्या कारण है कि 73 पार्टियों ने अपने विचार सार्वजनिक कर दिए इस बारे में और बाकी पार्टियां चुप रह गईं? क्यों चुप रही वो? अगर वो बोल देती तो हम तो घोषणा कर चुके थे कि जो कह देगा उसके साथ हम खड़े हो जाएंगे। क्यों वो नहीं बोल पाई? दोष उनका है कि हमारा है? इस बात का आप विचार कर दीजिए। बंधुओं, आपके शंकराचार्य के रूप में, आप समस्त सनातन धर्मियों के अभिभावक के रूप में, धार्मिक अभिभावक के रूप में, हम आपकी हर धार्मिक समस्या के समाधान के लिए अपने आप को सदा प्रस्तुत रख रहे हैं। इसके लिए जिन संसाधनों की हमको आवश्यकता है वो संसाधन भी हमको आपसे प्राप्त करने हैं, और जो लोग अपने आप को धर्म कार्य में समर्पित करना चाहते हैं
हम उनका भी स्वागत करना चाहते हैं। बंधुओं, जो अपना तन दे सकते हैं वो तन दें, जो मन दे सकते हैं वो मन दें, जो धन दे सकते हैं वो धन दें। अब चुप रहने का कोई अवसर नहीं है। क्यों? क्योंकि सनातन धर्म की रक्षा के लिए आपको खड़ा होना ही पड़ेगा, और आपका धार्मिक नेतृत्व करने के लिए जो आचार्य खड़ा है उसका समर्थन आपको करना होगा। आप देखिए कि आपकी पहचान धीरे धीरे मिटती चली जा रही है। आप जानिए कि जिसकी पहचान मिट जाती है वो व्यक्ति भी मिट जाता है। आपकी पहचान धीरे धीरे मिट रही है। आपको देख करके निर्णय करने के लिए लोगों को सोचना पड़ता है कि ये हिंदू है कि कुछ और है। तो ऐसी परिस्थिति में आपकी पहचान खतरे में है, और पहचान को बचाने के लिए ज़रूरी है कि एक बार सब लोग संगठित हों, और संगठित होकर के अपने धर्माचार्य के निर्देशों का पालन करते हुए लोक और परलोक दोनों को सुधार लें। सनातन धर्म गुटबाजी का धर्म नहीं है कि हम जो कहें वही करो नहीं तो निकल जाओ। सनातन धर्म विचार का धर्म है, विचारकारी धर्म है। हम कुछ भी करते हैं उसके पहले विचार करते हैं कि हम जो कुछ करने वाले हैं इसका परिणाम क्या होगा। और इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि मतदान से पहले विचार करो कि आपके वोट का क्या परिणाम होगा, गाय मारी जाएगी कि बचाई जाएगी। तो ये विचार करके करने का जो धर्म है उसी का नाम सनातन धर्म है। तो जो बातें आपके आचार्य कहते हैं वो अपने मन से नहीं कहते हैं। आपके आचार्यों की यही विशेषता है कि वो ऋषि मुनियों की जो वाणी है, जो सबके कल्याण के लिए निकली हुई है, उसका अवलंबन लेकर के समय की ज़रूरत को देखते हुए उसको आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो आपके कल्याण की जो बात है, शास्त्रों से समर्थित जो बात है, जिस पर आपको विचार करने के लिए अवकाश है, समझने के लिए आप विचार कर सकते हैं, प्रश्न प्रति प्रश्न कर सकते हैं, और जब आपको हृदयंगम हो जाए वो बात, तब उसका आचरण आप करिए। ये स्वतंत्रता आपके पास उपलब्ध है। इन सब का लाभ लेते हुए अपने जीवन को आप निश्चिंत बनाइए, समृद्ध बनाइए, परलोक को सुधारिए, लोक को सुधारिए, और आनंद से रहिए। यही शुभकामना करते हुए आप सबको इस नव संवत्सर, कालकृत संवत्सर अथवा गौ संवत्सर की अनेकानेक शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए, और आपको आपकी धार्मिक समस्याओं का समाधान प्रदान करने के लिए अपने आप को प्रस्तुत करते हुए हम यहीं पर अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं। हर हर महादेव। गौ माता, भाई पार्टियों की सूची का, इसके अतिरिक्त जो हैं उनको कसाई समर्थक पार्टी हम लोगों ने कहा है। ये भाई पार्टियां हैं जिनको वोट देने से गौ रक्षा का पुण्य आपको मिलेगा। वो पार्टियां हैं एकम सनातन भारत दल, विश्व शक्ति पार्टी, अखिल भारतीय हिंदू महासभा, सर्वजन सनातन पार्टी, हिंदू समाज पार्टी, अखिल भारतीय रामराज्य परिषद, भारतीय गरीब पार्टी, राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी, इंडियन सवर्ण समाज पार्टी, जनता उन्नति पार्टी, अपनी जनतांत्रिक पार्टी, वीरों के वीर इंडियन पार्टी, उत्तराखंड क्रांति दल, भारतीय महासंघ पार्टी, विंध्य जनता पार्टी, किसान पार्टी ऑफ इंडिया, स्वाभिमान पार्टी, भारतीय जवान किसान पार्टी, राष्ट्रीय सर्वांगीण विकास पार्टी, भारतीय समानता पार्टी, न्याय पार्टी, अपना भारतीय सनातनी पार्टी, आरक्षण विरोधी पार्टी, राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी, भारत खंड नव निर्माण सेना, बुलंद भारत पार्टी, युग तुलसी पार्टी, राष्ट्र निर्माण पार्टी, अखिल भारतीय हिंद क्रांति पार्टी, हिंद समर्पित पार्टी, भारतीय जन जागृति पार्टी, राष्ट्रधारक दल, भारतीय जन क्रांति दल, प्रजा शक्ति पार्टी, राष्ट्रवादी जन लोक पार्टी,
भारत, महापरिवार पार्टी, सार्थक जनहित पार्टी, सनातन संस्कृति रक्षक दल, शारदीय जन मोर्चा पार्टी, सुभाषवादी भारतीय समाजवादी पार्टी, ऑल इंडिया पार्टीलेस डेमोक्रेटिक संगठन, भारतीय कौटिल्य सेना, भारतीय नौजवान इनकलाब पार्टी, राष्ट्रीय जनरल समाज पार्टी, ऑल इंडिया समानता मंच, राष्ट्रीय समानता विकास पार्टी, अखंड सनातन धर्मार्थ न्यास, इनकलाब इनकलाबी मोर्चा ऑफ इंडिया, भारतीय विकास मंच, जन रक्षा पार्टी, भारत गठबंधन, फौजी जनता पार्टी, राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी, भारतीय हिंदू सेना, भारतीय नौजवान इनकलाब पार्टी, अखिल भारतीय जन मोर्चा, फेडरेशन फॉर न्यू स्टेट्स, ग्राम समाज मोर्चा, व्यवस्था परिवर्तन मोर्चा, नेशनल यूथ पार्टी, जन राज्य पार्टी, समग्र विकास पार्टी, उत्तरार्ध प्रजा पार्टी, अखिल भारतीय पंचायत परिषद, न्याय पार्टी, वोटर पार्टी, जस्टिस पार्टी ऑफ इंडिया, व्यवस्था परिवर्तन गठबंधन, आदर्श जनता पार्टी, अखंड हिंदुस्तान परिषद, राष्ट्रीय गठबंधन मंच, पार्टीलेस सिस्टम, जनहित पार्टी और बॉबी पमार इंडिपेंडेंट। ये 73 पार्टियां हैं, जिनमें से 72 पार्टियां हैं, एक निर्दलीय व्यक्ति हैं जिन्होंने स्वयं से घोषणा की है। इन सबको वोट देने से आपको गौ रक्षा का पुण्य मिलेगा और इनसे इतर जो पार्टियां हैं उनको वोट देने से निश्चित रूप से गौ हत्या का पाप आपको लगेगा। जब तक कि वो ये घोषणा ना कर दें कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो अब या अभी तक जो हो गया उसके लिए गौ माता से क्षमा है, लेकिन अब हम गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने का और उनकी हत्या को अपराध घोषित करने का कानून पहुँचते ही बनवाएंगे। अगर ऐसी घोषणा मतदान के ठीक पूर्व तक अगर कोई शपथ पूर्वक कर दे तो उसको वोट देने में पुण्य होगा, पाप नहीं होगा, लेकिन अगर ऐसी घोषणा नहीं करता है कोई पार्टी या व्यक्ति तो निश्चित रूप से उसको वोट देने से आपको पाप लगेगा। हाथ उठा लीजिए, दाहिना हाथ ऊपर उठा लीजिए, मुट्ठी बांधिए, संकल्प करिए इस नववर्ष में हम सभी हिंदुओं की गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित कराते हुए गौ हत्या को दंडनीय अपराध घोषित कराने के लिए मतदान करेंगे। जिन पार्टियों ने घोषणा पूर्वक शपथ पूर्वक कह दिया है कि संसद में जाकर पहला काम गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित कराने का और उनकी हत्या को अपराध घोषित कराने का कानून हम बनवाएंगे, उन्हीं पार्टियों या प्रत्याशियों को हम अपना वोट देंगे। किसी भी कसाई समर्थक पार्टी को वोट देकर हम गौ हत्या के महापाप के भागी नहीं बनेंगे। गौ माता हमको आशीर्वाद दें और हमको संबल प्रदान करें। जय गौ माता, गौ माता, गौ माता, भारत अखंड हो, हिंदू प्रचंड हो, भारत अखंड हो, हिंदू प्रचंड हो, भारत अखंड हो, हिंदू प्रचंड हो।
धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी महाराज की, ब्रह्मलीन जगत गुरु जी महाराज की, गंगा माता की, विश्वनाथ की, अन्नपूर्णा की, नमः पार्वती पतये हर हर। शब्द शिव है, शून्य शब्द निशब्द शिव है, ज्ञान का आधार शिव है, शून्य शब्द निशब्द शिव है, ज्ञान का आधार शिव है, वेद शिव वेदांत शिव है, शिव वेदांत शिव है, शिव ही नर्तक गान शिव है, रम रहा इस धरा के शिव है नायक, महिमा शिव की अति नितांत है, अंतरिक्ष में रम रहा शिव मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वंदे परमानंदमाधवं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। हम सभी का परम सौभाग्य उत्तरामनाय ज्योतिष पीठाधीश्वर पूज्यपाद जगत गुरु शंकराचार्य भगवान के पावन सानिध्य में हम सभी बैठ करके शक्ति साधना पर्व का यह अनूठा आनंद ले रहे हैं। सायंकाल पूज्य श्री के आदेश से सांगीतिक अनुष्ठान भी संपन्न हो रहा है। आज प्रथम दिवस है। भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई, राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई।
भज मन राम चरण सुखदाए, भज मन राम चरण सुखदाए। जेहि चरणन से निकसी सुरसरी, शंकर जटा समाए। जेहि चरणन से निकसी सुरसरी, शंकर जटा समाए। जटा शंकरी नाम पर्यो है, जटा शंकरी नाम पर्यो है। त्रिभुवन तारण आए, भज मन राम चरण सुखदाए, भज मन राम चरण चरणन की चरण पादुका भरत रहो नवलाए। जिन चरणन की चरण पादुका भरत रहो भज मन राम चरण सुखदाए, भज मन राम चरण सुखदाए। संतन जन सेवत सदा रहत सुखदाए। सोई चरणन संतन जन सेवत सदा रहत सुखदाए। सोई चरणन गौतम ऋषि चरणन गौतम ऋषि नारी, परसी परम पद पाए। भज मन राम चरण सुखदाए, भज मन
शिव सन का दिक हर ब्रह्म दिक शेष सहस मुख गाए शिव सन का दिक हर ब्रह्म दिक शेष सहस सुख गाए तुलसीदास तुलसीदास मारुत सुत की प्रभु तुलसीदास मारुत सुत की प्रभु निज मुख करत बड़ाई भज मन राम चरण सुखदाई भज मन राम चरण सुखदाई राम चरण सुखदाई भज मन राम चरण सुखदाई भज मन राम चरण सुखदाई भज मन राम चरण सुखदाई राम चरण सुखदाई भज मन राम चरण सुखदाई चंद्र कृपालु भज मन हरन भव भयदारुणम इसका शार्पनेस कम कर दिया श्री राम चंद्र कृपालु भजु मन हरन भव भयदारुणम नव कर्जलोचन कर्ज मुख कंज पद कंजारुणम श्री राम चंद्र कृपालु भजु मन हरन भव भयदारुणम नव कंजलोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम अमिता छवि नवनील
शमिता खिलतापे रक्त कबीज विनाशिनी रक्त कबीज विनाशिनी पावित कृत पापे धनुजाधीश विमर्दिनी पावक कृत विमले अम्बा पावक कृत विमले विधि वृषवाहन माधव विधि वृषवाहन माधव वंदित पद कमले जय देवी जय देवी प्राप्त तवांति कमगज रक्षित सुर वृंदे मन रक्षित सुर वृंदे चरण सरोरुहयुग्मम चरण सरोरुहयुग्मम नित महावंदे शुम्भासुर मथने त्वं मामाश्रयहीनम् मामाश्रयहीनम् करुणापूरित नयने करुणापूरित नयने पश्य जनम दीनम जय देवी जय रे माता तनय गुणाना मरुणाम्बुज वदने अम्बा मरुणाम्बुज वदने क्रियतेन्वेषणमयिना क्रियते शरमैना खिल भय हर भजने निर्गुण मैयदि सगुण मत्वाव महेशी अम्बा मत्वाव महेशी शरणागत मसुरार्दिनी शरणागत मसुरार्दिनी मामिय भूतेशी जय दे परादो यदि वा संहृत जन शोके अम्बा संहृत जन शोके जय दुर्गे